अमेर, मैंने हानिया को कॉल करके कह दिया कि आ जाए वो अब। हाँ भाई, अच्छा किया। मुझसे तो तुम दोनों के शादी के काम अकेले नहीं हो रहे। दानियाल भी वहीं थे उसके पास। क्या दानियाल इस वक्त? मेरा मतलब है इतनी सुबह सुबह ऑफिस के लिए पैक करने गए थे ना। ओह, ये जिम्मेदारी दानियाल ने अपने सर पे ली हुई है। लेकिन हानिया ने तो अभी अपनी गाड़ी भी ली थी ना। हाँ, पर उससे अभी ड्राइव करना कहाँ आती होगी। तो ऑफिस के भी तो ड्राइवर्स होते हैं ना। ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी दानियाल ये जिम्मेदारी निभाता रहे। तो अम्मी, उनका एक ही काम है, ऑफिस भी एक ही है, क्या फर्क पड़ता है। यही तो मैं कह रही हूँ फातिमा, जब ऑफिस एक हो और काम एक हो तो इंटरेस्ट भी एक हो जाते हैं। खैर, तो मुझे ये बताओ कि वो कब आ रही है हानिया। मुझे नहीं लगता मैं ये अकेले सारे काम कर सकती हूँ। जी, वो कह रही थी वो आ जाएगी जल्दी। ठीक है। जब ऑफिस एक हो और काम एक हो तो इंटरेस्ट भी एक हो जाते हैं। नाराज हो मुझसे? प्लीज मुझे आप आइंदा पिक करने मत आइएगा, और ना ही मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत है। आपने अचानक शादी करने का फैसला कैसे कर लिया? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, और क्यों मुझे शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? कौन है वो? आपकी शादी से फारिग होकर मैं तायब से मिलवाऊंगी, तब मिल लीजिए। अनी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये मेरी जिंदगी है। अनिया, आप जानती हो मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, आपके बगैर मर जाऊंगा। कैसे इंसान हो तुम? फातिमा मेरी बहन है, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? ठीक, तुम ये शादी नहीं कर सकती। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले मैं शादी कर सकती हूँ कि नहीं? नफरत है मुझे ऐसे मर्दों से जो घर पे बीवी के होते हुए दूसरी औरतों को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे होते हैं। अनिया, कोई भी नया रिश्ता करने से पहले एक बात याद रखना कि तुम मेरी मोहब्बत हो पहले। और अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है ना अनिया, तो मुझे बताओ क्यों अपनी माँ की गोद में सर रख के रोती रहती हो कि मुझे अगर दानियाल नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ये अम्मी ने कहा है तुमसे? माय गॉड, जिस औरत ने कभी अपना घर नहीं बसाया वो किसी और का आस्था बस्ता घर कैसे देख सकती? कान खोल के सुन लो मेरी बात, ना मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की और ना कभी करूंगी। तो इसका मतलब ये कि ये सब कुछ तुमने मेरी दौलत हासिल करने के लिए किया? हाँ, इसीलिए मैं इस शहर में आई थी, इसीलिए मैंने हाजा सियान भी ज्वाइन किया था, ताकि मैं अपने बाप का हक ले सकूं, जायदाद ले सकूं, अपनी बहनों का हक ले सकूं। अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो, बेहतर होगा।